हेलो एवरीवन, दिस इज नीलू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, पीआरएम कॉलेज. यो अगेन, आई एम प्रेजेंट विद माय सेकंड लेक्चर, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट. एंड इन साइकोलॉजिकल टेस्ट टुडे आई विल एक्सप्लेन पर्सनालिटी टेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट इट कम्स ऑन द सिलेबी ऑफ बीए पार्ट थ्री स्टूडेंट्स. ओके, तो प्रियर टू स्टार्ट पर्सनालिटी टेस्ट, लेट मी एक्सप्लेन वॉट इज पर्सनालिटी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी. इवन अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी, आउट ऑफ साइकोलॉजिकल फील्ड, इंडिविजुअल इज वेरी मच कीन टू नो वॉट इज साइकोलॉजी, सॉरी पर्सनैलिटी. सो लेट मी एक्सप्लेन वॉट इज पर्सनैलिटी, दैन ग्रेजुअली कम टू साइकोलॉजिकल टेस्ट. सो लेट मी बिगिन. First of all, let me explain what is personality and how it comes in the definition. First of all, the word personality originates from the Latin word persona, which means mask. Initially, क्या होता था कि जब कोई drama हो रहा है, जब कोई नाटक हो रहा है, तो वहाँ पे different role को play करने के लिए actors mask पहनते थे. तो superficial meaning और literal meaning personality का mask होता है. Okay. पर्सनालिटी के बहुत से डेफिनेशन टाइम टू टाइम दिए गए और वो काफ़ी हद तक पर्सनालिटी को डिफाइन करने में एबल भी थे. बट ऑल्पो ने 50th डेफिनेशन दिया पर्सनालिटी का, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और ये ब्रॉडली एक्सेप्ट हुआ साइकोलॉजी कम्युनिटी में, फ्रेटरिटी में. तो देखते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी क्या है, इसके एस्पेक्ट्स क्या है. तो इफ़ वी डिफाइन पर्सनालिटी, पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटर्मिन्स हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट. ये डेफिनेशन ऑल्पोर्ट ने 1937 में दी थी. अगर हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें तो पर्सनैलिटी का नेचर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. पर्सनैलिटी है क्या? सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मीन है कि पर्सनैलिटी इज नॉट अ परमानेंट कंस्ट्रक्ट. पर्सनैलिटी जो होती है उसमें चेंज होता है. एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल अगर आज बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्टेबल है इमोशनली, या उसका नेचर बहुत ज़्यादा कूल एंड काम है, इट डजंट गारंटी कि फ्यूचर में उसका नेचर वैसे ही रहेगा. तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है. पर्सनैलिटी भी, इसके जो मेन डायनेमिक्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, बट रिलेटिवली एक परमानेंट फिनोमिना है. सेकेंड हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो साइकोफिजिकल सिस्टम. साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब है, हिंदी में इसको बोलेंगे मनोशारीरिक तंत्र. यस, तो इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट होते हैं. कोई इंडिविजुअल बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, तो हम लिटरली लैंग्वेज में कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है. बट वो पर्सनैलिटी का एक सुपरफिशियल डेफिनेशन होता है जो साइकोफिजिकल सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करता है. एंड थर्ड इसमें पॉइंट जो है वो है यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो होता है उसका एडजस्टमेंट सिमिलर एनवायरनमेंट में डिफरेंट होता है. एक ही तरह का सिचुएशन है, एक ही तरह का एनवायरनमेंट है, बट इंडिविजुअल अपने पर्सनालिटी डायनेमिक्स, डिफरेंट ट्रेट और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एडजस्ट करता है, अलग तरीके से बिहेव करता है. ओके, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय साइकोलॉजिकल फ्रेटर्निटी. तो लेट्स मूव टुवर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट. देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या है और कैसे पर्सनैलिटी को किसी इंडिविजुअल के असेस करना है. तो हम असेस करते हैं वेदर ये नॉर्मल बींग है, कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट है. तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट बने हैं, या समटाइम एक ही टेस्ट के डिफरेंट स्कोरिंग के सिस्टम है जो इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. तो लेट अस सी. ब्रॉडली अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट को डिवाइड करें तो ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट में आता है पर्सनालिटी इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर, और सेकेंड वन इज प्रोजेक्टिव मेथड. पर्सनालिटी इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये रिटन फॉर्म में होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसमें इंडिविजुअल को आंसर करना होता है. वहाँ पे बहुत क्लियर होता है इंटेंशन कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या आंसर करना है. बट प्रोजेक्टिव मेथड्स जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं. यहाँ पे जो टेस्टिंग सिचुएशन है या टेस्टिंग स्टिमुली है हमारे पास में, टेस्ट हैं, वो बिल्कुल एम्बिगस होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं.
इधर स्टोरी है, सिचुएशन है, पिक्चर है, वो बहुत एम्बिगस होगा, हेजी होगा, और वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो प्रोजेक्टिव मेथड्स का मेन मोटो यही होता है कि जब सिचुएशन एम्बिगस है तो वहाँ पे आपके जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ज़्यादा क्लियर प्रोजेक्ट होते हैं। तो अबाउट प्रोजेक्टिव मेथड्स विल डिस्कस लेटर। अभी हम देखते हैं पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज क्या है और कौन कौन सी है इसमें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्रीज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर उन्हें रीड करके उनका आंसर देना होता है क्लाइंट को। इधर येस और नो में होता है, समटाइम कैनॉट से में भी होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लाइंट को समझ में नहीं आते हैं तो वो उसका आंसर कैनॉट से में दे सकता है, बट ये बहुत रेयर होता है। नॉर्मली आपको येस और नो में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो कुछ इन्वेंट्रीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँ जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज होते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल और पेशेंट और क्लाइंट। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्रॉडली यूज इन्वेंट्री है, टेस्ट है हमारा, वो है MMPI-2, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। और ये डेवलप हुआ था हॉथवे और किनले के थ्रू 1940 में। जैसे आप देख सकते हो इसमें 567 आइटम्स हैं और सभी के 3 ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस के, यस नो और कैनॉट से, हाँ ना और कह नहीं सकता या कह नहीं सकती मैं आपको जवाब दे रहा है। और इसमें 567 जो आइटम है उसमें 10 स्केल्स हैं, 9 क्लिनिकल स्केल हैं और एक सोशल इंटरवर्सन स्केल है। तो अभी हम देखेंगे इसके जो स्केल्स हैं वो किस किस चीज़ को मेजर करते हैं, कौन कौन से साइकेट्री स्पेक्ट्रम के जो डिजॉर्डर्स हैं उसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहला जो स्केल है हमारा वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, उसको एस से डिनोट किया गया। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी साइकेट्री और डिजीज या डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है उसको अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझे होने वाली है। हल्का सा अगर उसे कॉफ एंड कोल्ड भी होता है या से कोई किसी बॉडी के पार्ट में पेन भी होता है तो उसे वो मैग्नीफाई करता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है और उसे बड़ी बड़ी बीमारियों से डिजीज से रिलेट करता है कि आई एम गोइंग टू सफर विद दिस डिसऑर्डर और आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। तो ये एक तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सेकेंड स्केल जो है MMPI-2 का वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन हम सभी को पता है एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल बहुत लो फील करता है, उसका मूड सैड रहता है, इंटरेस्ट उसके रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, एपेटाइट स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, इंडिविजुअल का बेसिकली मूड बहुत स्लो रहता है। तो ये हो गया कन्वर्जन हिस्ट्रिया जिसको HY से डिनोट किया गया। अभी इसे कन्वर्जन हिस्ट्रिया नहीं बोलते, कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं इंडिविजुअल के जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सिम्टम के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज साइकोपैथिक डेविएशन, PD। साइकोपैथिक डेविएशन में इंडिविजुअल के अंदर जो एंटी सोशल टेंडेंसी है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जो एंटी सोशल टेंडेंसीज होती है, ये उसका असेसमेंट करता है। इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एंटी सोशल ट्रेट को मेजर करेंगे। नेक्स्ट वन इज मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। कुछ मेल्स होते हैं जिनमें फेमिनिन ट्रेट्स हैं, सिमिलरली कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें कि मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को अपने आइडेंटिटी, अपने जेंडर आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसऑरियंटेशन होता है। तो ये इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को मेजर करता है। पैरानोइया, PA से किया गया है, ये अब पैरानोइया नहीं बोल के इसको डिल्यूशनल डिसऑर्डर बोलते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, वो किसी पर्टिकुलर डिल्यूजन से सफ़र करता है। डिल्यूजन मीन्स उसका एक फॉल्स बिलीफ किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट इवेंट को लेके, जैसे कोई इंडिविजुअल, कोई पेशेंट सोच सकता है कि वो भगवान है और वो उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि उसे शेक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो दैट इज़ पैरानोइया और डिल्यूजन डिसऑर्डर। साइकिस्थेनिया भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल विदाउट फिजिकल एफर्ट के हमेशा थका, फटीग्ड और लो फील करता है। स्किजोफ्रेनिया सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, इंडिविजुअल का रियलिटी से कॉन्टेक्ट टूट जाता है, उसके बेसिक थिंकिंग और परसेप्शन में डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। हाइपोमेनिया है, इसमें इंडिविजुअल के साइकोमोटर एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो बहुत ज़्यादा बात करेगा, बहुत एलिवेटेड रहेगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा, उसकी जो साइकोमोटर टेंडेंसी और एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये उसे मेजर करता है। और एक लास्ट वन है सोशल इंटरवेंशन, जो इंडिविजुअल को सोसाइटी से
सोसाइटी में कम इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा सा अलाइनेटेड रखता है, ये इस टेंडेंसी को मेजर करता है। अभी हमने टेस्ट कर लिया और अब हमें देखना है कि ये टेस्ट वैलिड है कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ वैलिडिटी स्केल्स होते हैं जिससे पता चलता है कि जो हमने टेस्ट किया 567 आइटम्स हमने किसी इंडिविजुअल पे जो अप्लाई करे हैं वो वैलिड है भी कि नहीं, उसने रिस्पॉन्सेस कितने ईमानदारी से दी है या कितना केयरलेसली दिया है। तो इसके लिए एक वैलिडिटी स्केल से पता चलता है इस टेस्ट को आगे जाके हमें अनालिसिस करना है या नहीं करना है। एक लाइन स्केल है, इंडिविजुअल कितना झूठ बोल रहा है टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में, ये उस टेंडेंसी को देता है। सिर्फ फ्रिक्वेंसी से पता चलता है इंडिविजुअल ने कितना केयरलेसली टेस्ट का जवाब दिया है, और के फॉर करेक्शन है, इसमें देखते हैं इंडिविजुअल या क्लाइंट जो रेस्पॉन्ड कर रहा है आइटम्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, वो अपनी प्रॉब्लम्स को कितना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है या कितना कम बता रहा है। तो ये स्केल्स के थ्रू पता चलता है हमारा जो MMPI है वो वैलिड है, इंटरप्रिटेबल है या नहीं है। सेकेंड इन्वेंट्री है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री डेवलप बाई गव, गव ने इसे रिवाइज किया 1987 में। इसमें 462 आइटम्स हैं और ये पर्सनालिटी के नॉर्मल ट्रेट को मेजर करता है। MMPI 2 जो है वो क्लिनिकल पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी को मेजर करता है, मीन्स साइकेट्रिक प्रोबेबिलिटी वो देखता है, डिसऑर्डर्स देखता है। और इसमें भी रेस्पॉन्स की दो कैटेगरीज है, येस एंड नो, और इसमें मैक्सिमम जो आइटम्स हैं वो MMPI 2 से लिए गए हैं। 16 PF टेस्ट, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट डेवलप बाई RB कैटल, और ये ऐसे 17 ईयर्स एंड अबव पे एडमिनिस्टर होता है। इसमें 16 पर्सनालिटी के फैक्टर्स को मेजर किया जाता है जो बायपोलर होता है। इनिशियली 23 फैक्टर्स या ट्रेट्स की बात की थी कैटल ने, फिर बाद में उन्हें 16 पे उन्होंने फिक्स किया। और इन्हें इसमें जो मेन ट्रेट्स को मेजर किया जाता है टेस्ट के थ्रू, उसके बारे में कैटल ने बताया कि दो मेन ट्रेट्स होते हैं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में। पहले सरफेस ट्रेट्स की बात की, फिर नीचे उन्होंने सोर्स ट्रेट्स की बात की। सरफेस ट्रेट्स को बोलते हैं हिंदी में सतही सीलगुण, और सोर्स मतलब स्रोत सीलगुण। तो जो सरफेस ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स एक्सप्रेस इन डे टू डे इंटरेक्शन लाइक चीयरफुलनेस, एल्ट्रोइज्म, इंटीग्रिटी। हम डे टू डे लाइफ में जो इंटरेक्शन करते हैं अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, हमारे सरफेस ट्रेट्स उसमें मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे चीयरफुलनेस हो गया, अल्ट्रोइज्म हो गया, इंटीग्रिटी, ये सरफेस ट्रेट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल और पीपल। और हमारा जो सोर्स ट्रेट होता है वो रिलेटिवली एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है, ये डे टू डे लाइफ में एक्सप्रेस नहीं होता है। बट जब हमारा सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट सॉरी, उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो सोर्स स्रोत सीलगुण का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है ग्रिगेरियसनेस, सेल्फलेसनेस और ह्यूमर, ये सरफेस ट्रेट्स हैं, बट इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक ट्रेट बनता है सोर्स ट्रेट, जिसको हम फ्रेंडलीनेस कहते हैं। क्लियर है सोर्स और सरफेस ट्रेट क्या होता है। फिर इन्होंने टेम्परामेंट ट्रेट की बात की जो हमारे इमोशनल स्टेट से रिलेटेड है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता, हैप्पी गो लकीनेस, चीयरफुलनेस, ये हमारे टेम्परामेंटल ट्रेट है। और एबिलिटी ट्रेट वो होते हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी योग्यताओं से रिलेटेड होते हैं, और ये हमें मोटिवेट या पुश करते हैं डिफरेंट गोल्स को अटेन करने। सिमिलरली डायनेमिक ट्रेट जो होता है ये भी हमारे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर से रिलेटेड होता है, इसमें हमारा एटीट्यूड, हमारे सेंटिमेंट, अर्जेस ये आते हैं। तो ये था 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट डेवलप बाई कैट। अभी अगर हम प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि जो हमारे इन्वेंट्रीज होती हैं या क्वेश्चनर्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसको पढ़ के आपको क्लियर होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप करना है। बट प्रोजेक्टिव मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पे प्योर प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे जो टेस्टिंग सिचुएशन है, टेस्टिंग स्टिमली है या स्टिमुलस है, वो बहुत एम्बिगस होता है, चाहे वो कोई पिक्चर हो, कोई कहानी हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो क्लियर नहीं होता है। उसे आपको बनाना पड़ता है, आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और यहाँ पे जब आप एम्बिगस सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करते हो, आप प्रतिक्रिया करते हो, तो प्रोजेक्टिव मेथड का एक ये टेनेंट, एक बिलीव है कि वहाँ पे आपके इंटरनल स्टेट, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन का प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मीन्स आरोपण, आप आरोपित कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टिव मेथड का जो टर्म है इसे लॉरेंस फ्रैंक ने दिया था। और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज में, बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लिंडसे ने 1961 में डिवाइड किया था।
बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो फाइव कैटेगरीज में सबसे पहला जो है वो एसोसिएशन टेस्ट है। यहाँ पे ऐसे टेस्ट को रखा गया है जिसपे इंडिविजुअल क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है वो एसोसिएशन के थ्रू करता है, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, रोसाक साइको डायग्नोस्टिक्स हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट फ्रॉयड एंड यूंग ने दिया था। वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उसको सुन के जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आए उसे आपको बोलना होता है, और आपने जो रेस्पॉन्ड किया है वर्ड, पहला वर्ड सुन के सेकेंड वर्ड, उन दोनों के बीच में एसोसिएशन दिखाया जाता है, और उस बेस पे आपकी पर्सनालिटी जो है उसका असेसमेंट किया जाता है, आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट ट्रेट का, आपके इमोशंस का, उसकी स्टेबिलिटी का स्टडी किया जाता है। रोसाक साइको डायग्नोस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक टूल है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। सेकेंड कैटेगरी जो है वो कंस्ट्रक्शन टेस्ट की है। कंस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनको मिला के कुछ बनाना है, कुछ कुछ पिक्चर्स बनाने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, या अलग अलग कार्ड्स हैं उस पर आपको स्टोरीज लिखनी है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कुछ, इसीलिए इसका नाम कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला टेस्ट जो इस कैटेगरी में आता है वो है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में TAT बोलते हैं। मॉर्गन एंड मरे ने 1935 में डेवलप किया था, और ये पर्सनल सिलेक्शन में बहुत ब्रॉडली यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 31 कार्ड्स होते हैं, 30 कार्ड्स पे पिक्चर्स बनी हैं और वन कार्ड जो है ब्लैंक होता है। तो क्लाइंट के एज और सेक्स के हिसाब से इसमें से हम 10 कार्ड्स को चूज कर लेते हैं, और एक ब्लैंक कार्ड होता है, और उसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ क्लाइंट को देते हैं कि आप इसको देखिए कार्ड को, इसमें जो पिक्चर बना है, और इस पर एक स्टोरी लिखिए। आप जो स्टोरी लिखोगे उसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स के बीच में, पहले पास्ट में क्या हुआ था, और फ्यूचर में क्या होगा, ये तीनों टेंस को आपको कंबाइन करके एक स्टोरी लिखनी है, स्टोरी का आउटकम बताना है। और एक ब्लैंक कार्ड, इस तरीके से 10 कार्ड पे हम रेस्पॉन्स ले लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ में, और एक ब्लैंक कार्ड जो होता है उसमें हम क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस पर्टिकुलर कार्ड में आपको अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी लिखना है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, मेन हीरो कौन है, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इसका स्टोरी का आउटकम क्या है, इसका पास्ट क्या था, और इसका फ्यूचर क्या होगा। क्लाइंट जो स्टोरीज लिखता है उसका हम उसके मैनुअल के थ्रू उसकी स्कोरिंग करते हैं, और उसके बेस पे हम उसकी पर्सनालिटी के जो मेन मोटिव्स हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर, उसके मोटिव्स क्लियर हो जाते हैं, यहाँ हम पिक्चर के थ्रू करते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट है जो बैलक ने 1954 में डिवेलप किया था, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे जो स्टोरी लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे कार्टून्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बच्चे एनिमल्स के साथ में ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, तो यहाँ पे कार्टून के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती, पिक्चर्स होते हैं, उसको देख के बच्चों को स्टोरी लिखनी होती है। और एक रोजरविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट भी है जिसमें 24 कार्टून्स हैं, इसके थ्रू इंडिविजुअल के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है उसका असेसमेंट किया जाता है। इसमें जो कार्ड्स हैं उसमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हैं काफ़ी, तो उसको देख के जब आप स्टोरी लिखते हो तो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन या एग्रेसन है उसका मैनिफेस्टेशन बहुत क्लियरली होता है। तो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन टेस्ट। थर्ड है हमारा कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट जैसे क्लियर है कि इसमें जो हमारा स्टिमुली होगा या टेस्ट होगा वो इनकम्प्लीट होगा, इसमें सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा, एक सेंटेंस लिखा रहेगा वो हाफ होगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं और मेरे फादर इतना लिखा रहेगा, उसके बाद की लाइन आपको खुद सोच के पूरी करनी है, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस आंसर करना, आपको सोचना विचारना नहीं है ज़्यादा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी मदर, ऐसे हाफ सेंटेंसेस रहेंगे, और जब ये हाफ सेंटेंसेस को आप पूरे करते हो तो उसमें आपके जो इम्पल्सेस या आपके ट्रेट्स या पर्सनालिटी के वो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस कंप्लीशन 1940 में रॉडे एंड हॉट ने किया था, 1950 में रॉटर ने भी डेवलप किया, इसमें 40 आइटम थे, और इसमें इंडिविजुअल जब हाफ सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देता है अपने थॉट से, अपने सेंटेंसेस से, तो उसका भी स्कोरिंग किया जाता है, और देखते हैं कि इंडिविजुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका लेवल क्या है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए होता है पर्सनालिटी में। फोर्थ वन है चॉइस एंड ऑर्डरिंग टेस्ट, जॉन्डी ने 1947 में डेवलप किया था,
इसमें क्या है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके सामने, उसको अपने चॉइस के बेस पे आपको उसे ऑर्डर में लगाना होता है, उसे अरेंज करना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपकी चॉइस के बेस पे। इसमें सिंबल अरेंजमेंट टेस्ट जो है वो एक इसका एग्जाम्पल है। इसमें डिफरेंट 16 शेप्स और फिगर्स होते हैं, जैसे स्टार होगा, एनिमल होगा, क्रॉस होगा। इसे आपको कैटेगराइज करना होता है डिफरेंट डिफरेंट इमोशन के बेस पे, जैसे आप लविंग किसी को मान सकते हो, किसी को आप हेट की कैटेगरी में रख रहे हो, किसी को गुड रख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को बैड रख रहे हो, किसी को अलाइव, किसी को डेड बता रहे हो। और जब आप इसको कैटेगराइज करते हो तो इससे पता चलता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किसके तरफ है, नेगेटिव एटीट्यूड किसके तरफ है, कौन सा ऑब्जेक्ट या सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है। और इस तरीके से इस मेथड से आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट का, चॉइस और आपके ऑर्डर के थ्रू, द वे यू अरेंज और द वे यू प्रेफर द थिंग्स। और फिफ्थ वन है एक्सप्रेसिव टेस्ट। इसमें आता है एक्सप्रेसिव टेस्ट, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ड्राइंग के थ्रू आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। ड्रॉ पर्सन टेस्ट है, मैकोवर ने 1949 में डेवलप किया। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो क्लाइंट है जिसकी पर्सनालिटी का आप असेसमेंट कर रहे हो, उसको एक पर्सन का ड्राइंग बनाना होता है। समटाइम उसे हम अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल का भी ड्राइंग बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पे वो जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा है इंडिविजुअल का फिगर, उसमें जो इंक्लूजन है, जो एक्सक्लूजन है, उसमें जो सिमेट्री है पिक्चर्स में, उस बेस पे उसकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। हाउस ट्री एंड पर्सन टेस्ट में भी एक हाउस, एक ट्री और एक पर्सन आपको ड्रॉ करना होता है। उसके बाद थेरेपिस्ट क्या करता है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में आपसे एक एक डिटेल इंक्वायरी करता है। उसके बाद से फिर वो आपकी पर्सनालिटी का एक प्रोफाइलिंग तैयार करता है। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में था। फिर रोसाक साइकोडायग्नोस्टिक्स, मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल फील्ड में, तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इनिशियली जब 1921 में हार्मन रोसाक ने डेवलप किया रोसाक साइकोडायग्नोस्टिक, तो उस वक्त ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट था। बाद में इसको डायग्नोस्टिक फील्ड में एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज किया जाने लगा। यहाँ पे 10 कार्ड्स होते हैं। कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 7 कम्प्लीटली एक्रोमेटिक होते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। कार्ड नंबर 2, 3, 8, 9 और 10 क्रोमेटिक होते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और कुछ कार्ड जो है ब्लैक एंड व्हाइट के साथ में कलरफुल भी होते हैं। और ये कार्ड्स आपको दिखाया जाता है 1 by 1 और उसको देख के आपको बताना होता है इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग जो होती है वो 2 फेज में होती है, ठीक है। 10 कार्ड है, एक एक करके हर कार्ड को थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को दिखाता है, क्लाइंट को दिखाता है, और उस कार्ड पे वो उसका रिस्पॉन्स लेता है कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके रिस्पॉन्स को वो प्रोटोकॉल में नोट करता जाता है, ओके, जो भी पेशेंट बताता है। और बेसिकली टेस्ट 2 फेजेस में होता है साइकोडायग्नोस्टिक पे। एक एडमिनिस्ट्रेशन फेज होता है, जब कार्ड दिखाते हैं हम पेशेंट को और उसके रिस्पॉन्सेज को लिखते हैं। जब 10वें कार्ड पर वो रिस्पॉन्स दे देता है, उसके बाद से हम इंक्वायरी करते हैं हर कार्ड के रिस्पॉन्स के बारे में कि आपको कहाँ दिखाई दिया है, क्यों दिखाई दिया है, बहुत से इंक्वायरीज होते हैं। जैसे मैं एक कार्ड दिखा के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कार्ड नंबर 1 है रोसाक साइकोडायग्नोस्टिक्स का, ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। इस कार्ड को जब हम पेशेंट को दिखाते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो हम उसे कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इस कार्ड को देखो और बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स आता है इस कार्ड पे क्लिनिकल सेटिंग्स में, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और पेशेंट इसे बैट समझता है, वो बोलता है यहाँ चमगादड़ दिखाई दे रहा है। कोई कोई पेशेंट इसे मैप भी बोल सकता है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में एग्जैक्टली बना तो कुछ नहीं होता है, ये इंक ब्लॉट है, स्याही के धब्बे से बना हुआ है। रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं इसको। ये स्याही के डिफरेंट डिफरेंट धब्बे हैं, उनसे बना है। तो ये मेरे इंटरनल फीलिंग्स है या मेरा इंटरनल स्टेट है जो मुझे परसीव करा रहा है कि मुझे इसमें बैट दिखाई दे रहा है। सिमिलरली दूसरे 9 कार्ड और होते हैं जिसमें हम रेस्पॉन्स ले लेते हैं पेशेंट का, उसे दिखा के, और उसके बाद से हम सेकेंड फेज जो होता है उसमें इंक्वायरी करते हैं। साइड बाय साइड सीटिंग अरेंजमेंट होता है, पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट साइड बाय साइड बैठते हैं, फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, और वो इंक्वायरी जब जब वो कार्ड पे सारे रिस्पॉन्सेस दे देता है पेशेंट,
साइकोलॉजिस्ट सारे उसके रिस्पॉन्सेज को एक प्रोटोकॉल पे अलग से नोट कर लेता है। उसके बाद से वापस सेकेंड इंक्वायरी की जो फेज होती है उसमें एक एक कार्ड को उसे फिर से दिखाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आपको अगर फर्स्ट कार्ड में बैट दिखाई दिया है तो क्यों दिखाई दिया है और कहाँ पे दिखाई दिया है उसे बताओ। ठीक है, और उसके बाद से वापस हम सारे उसके रिस्पॉन्सेज ले लेते हैं। फिर उसका एक मैनुअल होता है उसका साइकोडायग्नोस्टिक का, उससे हम कैटेगराइज करते हैं उसके रिस्पॉन्सेज को पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और हम उसके पर्सनालिटी के बारे में एक ओवरऑल उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। तो बेसिकली रोसाक साइकोडायग्नोस्टिक जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पज से तो किया ही जाता है पेशेंट की प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, उसके पर्सनालिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायनेमिक है उसके असेसमेंट के लिए भी किया जाता है। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट थे, जो कुछ क्वेश्चनेयर थे और कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट थे। इन टेस्ट के अलावा भी एक थर्ड फॉर्म होता है जिसे हम पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, और उसमें ऑब्जर्वेशन आता है, क्लिनिकल इंटरव्यू आ जाता है, रेटिंग स्केल्स आ जाते हैं। तो Part 3 के सिलेबस में इंटरव्यू एंड केस हिस्ट्री मेथड्स भी हैं जिनके ऊपर मैं अलग से लेक्चर्स रेडी करूंगी, इसलिए मैं उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसे मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में पर्सनालिटी टेस्ट का जो एस्पेक्ट है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कोई टॉपिक लेके आऊँगी। तो थैंक यू।